वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज मेरा ब्लॉग बन रहा है। और बता दूं आप लोगों कि मेरा पेपर चालू थे, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो अब से डेली ब्लॉग आएंगे। तो चलिए, आज आए हुए हैं हम खेत। और आज का सीन ऐसा है कि हम लोग खेत में आज पूजा करने आए हुए हैं और यहाँ कुछ बनाएंगे भी, तो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आज ब्लॉग में बने रहना है आप लोगों को और लास्ट तक देखना है, कोई स्किप नहीं करेगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए इंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं ब्लॉग के लिए। अभी हम आए हुए हैं पत्ते इनके लिए, तो यहाँ पे पत्ते कुछ तोड़ना है हमारे को, ऐसे इतने बड़े बड़े वाले पलसे के पत्ते। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो गाइज़, वो ये है पत्ते, पलसे के पत्ते, जो कि ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इनका एक ही देख सकते हो, ये पत्ता बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या है, हम लोग जो एक रोट मलिंदा बनाने वाले, मतलब आज जो होते हैं ना, मतलब कृषि के, इसमें हम जैसे हमारी काम ख़त्म हो जाता है, मतलब धान वान सब बो के फ्रेश सब चीज़ हो जाता है, उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं कृषि के लिए। तो उसके लिए हम आज पूजा कर रहे हैं और कुछ खाने का बनाते हैं, रोटी का। तो वो उसके लिए हम लोग ये पत्ते लेने आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये वाले पत्ते, और हम लोग इसको तोड़ के ले जाते हैं, फिर वहाँ पे हम यूज़ में लाएंगे। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मजा नहीं आ रहा है। तो गाइस, हम लोगों ने ये है पत्ते तोड़ लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग उधर जहाँ हमारा स्पॉट है, वहां पे मिलते हैं वहाँ डायरेक्ट। तो ये हम लोग ने देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि जला दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंडे जलाएंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं उपले। तो हमने उपले भी घर से पकड़ लिए हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस ये बन रही है निकल के, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो गाइज, ये है जिगर, जिगर का टुकड़ा मेरा भाई जिगर। और ये है मेरा बाबू, और बाबू ने खाना खाया नहीं खाया तो रोटी खाएगा, देख सकते हो ये ऐसा बनता है। तो जिगर कुछ कहना चाहेगा, लाइक सब्सक्राइब कर दे, बोल जल्दी, कहाँ भाग रहा, जल्दी बोल, जल्दी बोल। तो गाइस, अभी बन रहा है यहाँ पे, हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं और जब तक अपना बॉक्स यानी ब्लूटूथ बजाते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। करो चालू। चलिए। तो गाइस, ये देख सकते हो ये रोटी के गोले बन चुके हैं। अभी इससे हम बहुत प्यारी डिश बनाने वाले हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो अभी इनको अभी हमें भूनना है वहाँ पे, वो जलाए हुए में वहाँ दिखा दो। और ये अभी जब इसको भून के होगा तब हम इसे मिक्स करेंगे शक्कर या गुड़ से, जो कि रोट मलिंदा बनेगा, उससे बहुत मज़ा आने वाला है खाने के बाद। तो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पत्ते में जो रोटी रखना था वो रख दिए हैं, देख सकते हो नीचे, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो इस तरह से, ये अभी इसको यहाँ पे अब हम भूनेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। देखो ये रखने वाले हैं, ये रख दिए यहाँ पे, ये दूसरा भी। जब ये भून के हो जाएगी तब इन्हें वापस निकाल लेंगे हम कुछ देर रख के। गाइस, अभी हमारा जो बन रहा है वहाँ पे,
तो उसके बनते तक के हम लोग थोड़ी देर हम यहाँ पे आए हुए हैं काय के लिए, बेर खाने के लिए। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं बेर, यहाँ पे देख सकते हो बेर बहुत सारी फली हुई है। और ये देखो ये कितनी सारी है यहाँ पे, बहुत मीठी मीठी बेर है। तो आप लोग को भी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, अपने खेत में जाओ खाने के लिए यहाँ नहीं, ठीक है। तो जब तक हम लोग बेर खाते हैं, चिंगलियों मैंने देखो बहुत सारी है यार यहाँ पे, देखो ये दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस यहाँ पे तो बहुत सारी बेर है यार, बहुत। ये देखो ये आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये लाल कलर की, हरी कलर की, अभी कुछ कच्ची है, अभी उतना सीजन नहीं है। तो ये है बेर, तो बेर खा लो गाइस आप लोग। तो गाइस बन चुका है, अब हम लोग खाने वाले हैं, देख सकते हो। ये है रोटी के गोले, तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में। और हाँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। बाय।